हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो भाई आज का ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सुबह मैंने शूट किया नहीं था। सुबह मैं थोड़ा लेट उठा था, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा लेट उठा था, 10 बजे तरफ उठा था और सीधा ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं चला गया था शॉप पे। अभी जब मैं शॉप से आया हूँ तब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी आप लोग, मैं गूगल्स लगाया हूँ तो देख के समझ गए होंगे कि आपके भाई को दिक्कत भी हो गई है। भाई कल मैं बिल्कुल ठीक था, रात को भी ठीक था जब तक मैं सोया हूँ, बट सुबह जब उठाऊँ तब मेरे को हल्की हल्की प्रॉब्लम लग रही थी, बट अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आई फ्लू हो गया है राइट वाली आई में और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक तो जलन जैसी पेन, आँख बंद करो या पलक झपकती तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये पता नहीं जिसको आई फ्लू हुआ है उसके साथ में होता है या नहीं, बट ये मेरे साथ में हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख लो भाई, पहले आई, ये वाली आई आपको अलग से लग रही होगी, ठीक है। और इसमें ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती जो ये यहाँ पे, वो ये वाली चीज़ जो है ना, इस वाली आँख की ये चीज़ यहाँ पे, ये फूली सी है। उसमें समझ में नहीं आ रहा था, अब मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल कम है। और ये देखो इसकी, ये वाली जो रेड वाली चीज़ है ये फूली सी है। बाकी आँख देख रहे हो कितनी ज़्यादा रेड हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है और इसी वजह से मैं ये लगाए हुए हूँ। बाकी अभी जा रहा हूँ मैं नहाने के लिए, तो फटाफट नहा लेते हैं, नहा लें उसके बाद पूजा करें, खाना खाएं। बाकी पहले नहा के आते हैं क्योंकि नहाने के लिए लेट हो रहा है, तो फटाफट नहा लें पहले। तो भाई मैं नहा के पूजा करके हो चुका हूँ रेडी। बाकी अभी अपने वाले ही चश्मे को लगाए हुए हूँ क्योंकि जो मैं लगा रहा था ना चश्मा ब्लैक वाला, उसमें यार ब्लर सा हो रहा है, मतलब उसके जो लेंस है वो ख़राब से हो गए हैं, पुराना हो गया है। तो अभी जब मैं शॉप पे जाऊँगा तब मैं दूसरा चश्मा ले लूँगा क्योंकि उस वाले में मेरे को एक तो क्लियर दिख भी नहीं रहा है, एक तो इस वाले चश्मे की आदत है और वो वाला चश्मा मैं ब्लैक वाला बहुत ही कम यूज करता हूँ। बाई चांस जब कभी कर लूँ तो उसमें वैसे भी दिक्कत होती, बाकी उसके लेंस भी ख़राब है तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही। बाकी यार आँख में ये देखो स्वेलिंग कितनी हो रही है, और देख रहे हो आंसू जैसे आ रहे हैं। बाकी मेरे को एक बार कमेंट में बताना कि जिसको भी आई फ्लू हुआ है क्या उसकी आँख पे जो कोने वाला होता है ये चीज़ स्वेलिंग सी आई है उस पर, जैसे ये जो चीज़ मैं यहाँ पे दिखा रहा था उस पर स्वेलिंग सी आई है जहाँ से कीचड़ आता है। बाकी मेरे कीचड़ भी आ रहा है, किट्टू को भी हो चुका आई फ्लू, किट्टू का ठीक हो गया अभी 2-3 दिन पहले ही ठीक हुआ उसका, और अब मुझे हो गया। शॉप पे भैया को हो चुका था, अतुल भैया को हो चुका, ठीक है। बाकी अभी मैं हूँ उसके घेरे में और मैं आपको इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। अभी खाना खा लूँ उसके बाद मैं बताऊंगा कौन सा ड्रॉप यूज करना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे जल्दी ठीक हो जाए। इस चीज़ की मेरे को जानकारी है, मतलब मैंने देखा है और किट्टू ने किया भी है तो पूरा उसका रिजल्ट है, तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा खाना खाने के बाद। तो भाई मैंने खाना खा लिया है और अब मैं बताता हूँ कि आँख के लिए कौन सा ड्रॉप यूज करना चाहिए अगर आई फ्लू हो रहा है और क्या और ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले तो ड्रॉप है भाई ये ऑप्टा केयर, ठीक है, हिमालय का है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है उसका। आँख में जलन वगैरह जो भी है उसमें हर चीज़ में आराम मिलेगी। ये मैं किट्टू के लिए लेके आया था और किट्टू को इस वाले ड्रॉप से बहुत आराम मिली, हिमालय का ऑप्टा केयर, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ड्रॉप है ये। उसके बाद इसको यूज कैसे करना है, सुबह दोपहर शाम, मतलब 3 टाइम तो डालना ही है, अगर डाल सकते हो तो 4 बार कर लो, मतलब 3 से 4 बार पूरे सुबह से रात तक 3 से 4 बार डालो और बहुत ही अच्छा रिजल्ट। और इसके साथ में एक फ़ायदा और है, कोई मेडिसिन यूज नहीं करनी पड़ेगी, बिना मेडिसिन के आपकी आई ठीक हो जाएगी, आई फ्लू से छुटकारा मिल जाएगा। वैसे ज़्यादा दिन का है नहीं, 3-4 दिन का ही है, बट और जल्दी आराम मिल जाती है, कीचड़ वगैरह आता है आँख से उसमें आराम मिल जाती है, तो मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा। उसके बाद क्या करना है, दूसरा काम, बार बार अपनी आँख को ताज़ा पानी से धुलते रहो, ठीक है। उससे ये है कोई किसी दूसरे को दिक्कत नहीं होगी, मतलब हाथ वगैरह बार बार आँख पे लगाओगे तो किसी दूसरे को दिक्कत नहीं होती, किसी दूसरे के टच हो रहा है और कीचड़ वगैरह जो भी आ रहा तो उससे आँख साफ बनी रहती है और बहुत जल्दी आराम मिलता है। मतलब आँख साफ रखोगे तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इस चीज़ में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। बाकी ये थी आई फ्लू का शिकार, अब ये ठीक हो चुकी है, इसकी आँखें बिल्कुल सूज गई थी, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है इसको, और मेरी आँख पे भी स्वेलिंग है। बाकी ऐसे जब बंद करता हूँ ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है इसमें। बाकी ड्रॉप अभी डालते हैं उसके बाद फिर जाते हैं शॉप पे। तो ये दो काम करते रहो, हिमालय का ऑप्टा केयर ड्रॉप 3 से 4 बार और बार बार ताज़ा पानी से अपनी आँख को धुलते रहो, इससे बहुत जल्दी आई फ्लू में आराम मिलेगा। तो भाई आपका भाई वही ड्रॉप डाल रहा है अपनी आँख में जिससे जल्दी से आराम मिल जाए, और इस वाली आँख में भी डालूंगा, इसमें मतलब दिक्कत तो नहीं है,
बट इसमें दिक्कत ना हो इस वजह से मैं इस वाली आँख में भी डाल दूंगा। दोनों आंखों में पड़ गया। अब 5 मिनट तक अपनी आंखों को बंद रखिएगा जिससे आपकी आंखों में ड्रॉप बना रहे, और उसके बाद अगर आपको जो भी काम करना है वो अपना काम करिए और धीरे आंखों को आराम ज्यादा से ज्यादा दें। तो भाई ड्रॉप डाल चुके हैं और अब जा रहे हैं शॉप पे। बाकी एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, आई फ्लू के लक्षण क्या है। आई फ्लू के लक्षण है भाई आंखों में जलन, मतलब कड़कड़ाहट सी, उसके बाद हल्का सा दर्द होगा स्टार्टिंग में, आंख से आंसू जैसे निकलेंगे, आंख लाल होगी, ये लक्षण है। बाकी अगर तुरंत इसका आप ट्रीटमेंट देते हो तो जल्दी से ठीक हो जाएगा, मतलब दिक्कत नहीं बढ़ेगी ज़्यादा, और अगर लेट करते हो तो फिर आपकी आंख से कीचड़ आने लगेगा, दर्द बढ़ जाएगा, रेडनेस और ज़्यादा हो जाएगी, तो ये लक्षण है। बाकी अभी मैं चश्मा लगा के नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को लेना है, तो मैं वहीं से दूसरा ले लूँगा मार्केट से, वहीं लगा लूँगा और फटाफट अब जाते हैं शॉप पे, क्योंकि अगर मैं ये वाला भी लेके लगा के जाता हूँ और फिर वापस लूंगा तो एक मैं रखूंगा कहाँ पे, इस वजह से मैं सीधा वहीं पे लूंगा जाके। तो भाई मैं शॉप पे आ चुका हूँ और अपने लिए ये चश्मा ले आया। एक बार कमेंट में बता देना ये कैसा लग रहा है। बाकी मैं भैया से पूछवाता हूँ कि भैया को जब आई फ्लू हुआ था तो भैया को कैसा लगा था। ये भाई आई फ्लू के शिकार हो चुके हैं, तो भाई आपको जब आई फ्लू हुआ तो आपको कैसा लगा था? दर्द और आंखें रेड और आंखों में सिर्फ गंदगी गंदगी के अलावा कुछ नहीं भाई, बहुत दिक्कत होती बहुत है, दिक्कत होती है यार। तो भाई भैया को भी हो चुका और अतुल भाई को भी हो चुका। बाकी अतुल भैया अभी ऊपर गए हुए हैं, आज खाना बहुत लेट खाने गए हैं, 4:30-5 बजने आ रहे तब वो खाना खाने गए हैं। 5 बज गए होंगे ना, 5 बज गए तब वो गए हैं खाना खाने के लिए। और भाई सभी लोग इस चीज से बचाव रखें, जिसको हुआ है वो तो लगाए बट जिसको नहीं हुआ है वो भी भाई ब्लैक चश्मा लगाए जिससे आपकी आईज सेफ रहें, ठीक है। भाई मैं आ चुका हूँ घर पे। बाकी आँख में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और अभी मेरे को पता चला कि एक रात में ये आई है, दूसरी रात में ये वाली भी आँख आ जाएगी, इसमें भी दिक्कत आ जाएगी। तो रात में तो एक तो ब्लैक वाले चश्मे से दिख नहीं रहा था, अंधेरे में तो वैसे भी नहीं लगाया जाता, रास्ते में आ रहे मेरे को चश्मा निकाल के रखना पड़ा, बिना चश्मे के मेरे को बाइक चलानी पड़ी क्योंकि ब्लैक वाले से एक तो अंधेरा, ऊपर से बिल्कुल अंधेरा जैसा ही सब हो रहा, बिल्कुल समझे में नहीं आ रहा क्या कुछ हो रहा, केवल जो लाइट चमक रही केवल वही लाइटें दिखाई दे रही थी। और भाई अब इस ब्लॉग में यहीं पेंट करूंगा क्योंकि अब जा रहा हूँ रैक्सी को घुमाने के लिए। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और एक प्यारी सी कमेंट कर दे। बाकी अभी के लिए सभी भाइयों को राम राम।